जी माशाल्लाह एक सराउंडिंग आपको दिखा रहे हैं, तो इसमें अभी नज़र पड़ी फौरन ही सामने देखेंगे दरख्त है आड़ू का। शेख साहब आप ग्रेट हैं, मैं कहता हूँ जी क्या बात है, तजर्बा बोलता है ना जी। हाँ सामने आड़ू लगे हुए हैं। और शेख साहब क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं माशाल्लाह आप यहाँ आके? पीसफुल एनवायरनमेंट है जी यहाँ का, ग्रीन लश वैली है ये सिरन वैली, और यहाँ पे हमें इनवाइट किया पाकिस्तान जर्मन शेफर्ड डॉग क्लब की जानिब से प्रेसिडेंट साकिब इस्लाम राणा साहब, और हमारे क्लब के पायनियर सीनियर मेंबर जनाब मलिक मुश्ताक साहब भी यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, और आज हम उनके साथ कंपनी करके यहाँ पे अभी अपनी शहजादी प्राडो पे पहुँचे हैं, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये एक्सपीरियंस है। बहुत फ्रेश एयर यहाँ पे चल रही है और बड़ा खूबसूरत किस्म का एनवायरनमेंट है। बाकी लोगों को भी हम बहुत मिस कर रहे हैं, आकाश भाई को मिस कर रहे हैं, बाकी क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर वो भी साथ हमारे होते तो मज़ा आता। तो थैंक यू वेरी मच। एक 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 सवाल बार बार मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि हम शौक रखते हैं, आपके नज़दीक ये जर्मन शेफर्ड के हवाले से वेदर कैसा है? बहुत आइडियल वेदर है जी यहाँ पे पाकिस्तान में, जिस तरह केपी में आप जाएँ तो आपको शुमाली इलाका जात की तरफ जाएँ या केपी वाली साइड पर जाएँ तो आपको यहाँ पे नदी नाले और आबशारें बहुत मिलती हैं, यहाँ पे पाइन ट्रीज़ आपको बहुत मिलेंगे वाफर मकदार में। अगर आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड में दिखा सकें, यहाँ पे पाइन वैली आप कह लें कि कितने खूबसूरत सरसब्ज़ और शादाब किस्म के दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये सरजमीन बड़ी ज़रखेज़ है, यहाँ की यही खूबसूरती है कि इस सरजमीन के ऊपर आप आएँ तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान में जो खूबसूरत और हसीन मनाजिर देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे केपी में हमारे। और ये इस टाइम हम मज़ारा में खड़े हुए हैं, मानसेरा से आगे ये सिरन वैली है शनकैरी, और जब आप मठा की तरफ जाते हैं तो ये आपका डडार जो से जगह है ना डडार, ये उसके करीब वाकई ये वैली है, और बहुत खूबसूरत जगह है, एक अच्छा हेल्दी इवेंट हम देख रहे हैं आज की शाम हम यहाँ पे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी, बेस्ट ऑफ लक मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।